इधर भोपाल के स्टेशन रोड का जायजा लिया हमारी सहयोगी शुभांगी ने। वक्त हम मौजूद हैं भोपाल के पौश इलाकों में से एक अल्पना तिराहा पर, जहां पर सड़कों का हाल जानने के लिए बंसल न्यूज की टीम अब ग्राउंड जीरो पर निकली है। सड़कों के हाल हम जानेंगे और ऑटो पर सवारी करके मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से इस पूरे शहर की कुछ ऐसी चिन्हित सड़कों पर इतने गहरे गहरे गड्ढे हैं कि अंदाजा लगाया जा सकता है कि आम जनता जब रोज यहां से गुजरती होगी तो कितना परेशान होती होगी और बारिश के समय में यहां पर क्या हाल होता होगा। तो चलिए मेरे साथ, इस बैटरी गाड़ी में हम बैठे तो जरूर है लेकिन जितने बार ये धचके खा रही है उससे हमें अंदाजा लग रहा है कि रोज गुजरने वाले लोगों का यहाँ क्या हाल होता होगा। सड़कों की मरम्मत के कार्य के लिए लगातार हमारे मुख्यमंत्री सीएम शिवराज सिंह चौहान निर्देश देते हैं, विभागों को इसकी आदेश जारी होते हैं कि जल्द से जल्द सड़कों की मरम्मत करवाई जाए, लेकिन जिस तरह से ये सड़कें हमें बता रही हैं, ये सड़कें बोल रही हैं कि यहाँ पर मरम्मत का कार्य नहीं हुआ है, यहाँ पर काम आधा करके अधर में ही छोड़ दिया गया है। तो देखिए तस्वीरों में आप देख सकते हैं जिस तरह से मैं हिचकोले खा रही हूँ इस बैटरी गाड़ी में, और सड़कों का तो बुरा हाल है लेकिन अब अच्छी बात यह है कि हमारे पास ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो लगातार छोटी से छोटी चीज का ध्यान रखते हैं, जनता से जुड़ी हर चीज का ध्यान वो रखते हैं। और आज सुबह जब मॉर्निंग एक्शन उन्होंने लिया तो उस दौरान उन्होंने इन सड़कों का हाल कल देर रात जाना था, और जब सड़कों का हाल मुख्यमंत्री ने जाना तो फिर अधिकारियों की भी क्लास लगी और 15 दिन का अल्टीमेटम भी दिया गया है कि इन सड़कों की मरम्मत की जाए क्योंकि ये जनता से जुड़ा मुद्दा है और हमारे मुख्यमंत्री जनता से जुड़े हर मुद्दे के लिए संवेदनशील भी है और सख्त भी है। आपने ऑटो की सवारी तो करवा दी, अब आपसे जानना चाहेंगे कि जब रोज जनता को लेकर यहाँ से निकलते हैं तो वो क्या कहते हैं और सड़कों की मरम्मत की यहाँ कितनी जरूरत? जरूरत तो बहुत है मैडम, लेकिन होती नहीं है, गाड़ी पलट पुलट जाती है कभी कभी, तो सवारी के भी लग जाती है, अब हम तो कर नहीं सकते कुछ रोड मोड का। सही बात है। और इन सड़कों की बात करें कब से ये ऐसी खस्ता हाल पड़ी? ये कम से कम 1-1.5 साल हो गए इनको, रोडों को ऐसे कभी कभार लगाते हैं, गड्ढे पूर देते हैं फिर वो भर जाते हैं, पानी भर जाता है, एक्सीडेंट हो जाते हैं। यानी बीच बीच में मरम्मत किया जाता है लेकिन फिर सड़कों का हाल वही की जाती है, छोटे मोटे बड़े गड्ढों की, ये छोटे मोटों की नहीं हो पाती। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि जल्द से जल्द सड़कों की मरम्मत होगी और अगर 15 दिन में नहीं होती है तो ठेकेदारों पर कार्यवाही होगी, इस पर क्या कहें? जी हाँ बिल्कुल, देखिए पानी तो बहुत जमा हो जाता है, ट्रैफिक जाम हो जाती है, लेकिन गाड़ी जाने के लिए गाड़ी को दिक्कत होता है, और देखिए मेन ट्रैफिक भी जाम हो रही, वो दिवाली खत्म हो गई, दिवाली में हो जाता बोल के बोले थे लेकिन दिवाली में हुआ नहीं, तो यहाँ के लोग जो है ना बहुत परेशान है, तो परेशानी को है ना जल्द से जल्द आप लोग खत्म करिए। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि आप 15 दिन के अंदर मरम्मत करवा देंगे, कैसा महसूस कर रहे हैं? मुख्यमंत्री अगर करवाएंगे तो ठीक है, मेरे ख्याल से तो ऐसा लगता नहीं है कि 10 साल में भी यहाँ के हालात बदलेंगे, क्योंकि नए भोपाल के पूरे रोड बन गए, इस पुराने भोपाल के अंदर कुछ भी नहीं हो रहा है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं जिस तरह से मेरा बुरा हाल हो रहा है यहाँ खास खास के, जो लोग यहाँ से निकलते होंगे उनका क्या हाल होता होगा। और ऑटो चालकों का, यहाँ के सवारी जो बिठाते हैं उनका कहना है कि लोगों की यहाँ पर एक्सीडेंट के कारण कई बार उनको गंभीर चोटें लग जाती हैं, खुद ऑटो चालक जख्मी हो जाते हैं, और अब सभी को जरूरत है कि इन सड़कों की मरम्मत जल्द से जल्द हो। तो अब हम यही उम्मीद कर सकते हैं, और हमारे मुख्यमंत्री ने भी आज जिस तरह से निर्देश दिए हैं उन्होंने साफ कह दिया है कि 15 दिन का समय है और अब शहर की सड़कें एकदम नई हो जाएंगी, जल्द से जल्द मरम्मत का कार्य होगा और जिन्होंने ये कार्य पूरा नहीं किया उनको कार्रवाई भी उन पर की जाएगी और उन्हें जुर्माना भी भरना होगा। कैमरा पर्सन आशीष के साथ शुभांगी सिंह मिश्रा, बंसल न्यूज़ भोपाल।